हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन पार्ट फोर सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन के पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री पे पहले ही वीडियो बनाए हैं। यदि आपने अब तक वॉच नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप सीख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन कई तरह से कर सकते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है हमें कौन सी कंडीशन में कहां पे कौन सा कनेक्शन करना है। तो चलिए हम सीख लेते हैं किस तरह कनेक्शन नंबर चार किया जाएगा। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग में हम करते क्या है, एक बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके लिए जो स्विच यूज होता है वो टू वे स्विच होता है। टू वे स्विच में यदि देखा जाए तो आपको यहाँ पे पीछे की तरफ तीन पॉइंट देखने को मिलते हैं, जबकि जो सिंपल स्विच होता है उसमें दो पॉइंट होते हैं। तीन स्विच में क्या होता है, बीच में आपको लोड पॉइंट होता है जहां पे आपको सप्लाई कनेक्ट करना होती है। जब आपके स्विच की पोजिशन इस तरह से होती है तो जो सप्लाई होती है वो यहां से पास होती है। जब आपके स्विच की पोजीशन यहां पे होती है तो सप्लाई यहां से पास होती है। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह एक बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ किया जाएगा। तो चलिए इसमें हमें क्या करना है, लूपिंग करना है। क्या करना है, दोनों स्विच में लूपिंग करना है। तो किस तरह से लूपिंग करना है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो स्विच नंबर टू है, ये हम स्विच नंबर दो कह सकते हैं, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे टॉप में हम एक वायर कनेक्ट करना है और इसकी लूपिंग को ले जाकर दूसरे वाले स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट करना है, या हम कह सकते हैं बॉटम में कनेक्ट करना है। तब इसे यहाँ पे बॉटम में कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसी तरह इस स्विच के भी टॉप में एक वायर कनेक्ट करना है और यहाँ पर भी हमें क्रॉस कनेक्शन करना है। और हम सीखने वाले हैं किस तरह क्रॉस कनेक्शन कर हम एक बल्ब को दो स्विच से ऑन ऑफ कर सकेंगे। इसकी वर्किंग किस तरह होगी ये हम प्रैक्टिकली ऑपरेट करके भी देखेंगे, और हमारे बल्ब को किस तरह फेज न्यूट्रल या लाइव न्यूट्रल मिलने वाला है, किस तरह वो ग्लो होगा, इसकी वर्किंग भी हम समझने वाले हैं। चलिए हमने क्या किया है, दोनों में क्रॉस कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बल्ब होल्डर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, बल्ब को ग्लो होने के लिए फेज न्यूट्रल दोनों की जरूरत होती है। तो जो उसके दो वायर आ रहे हैं, जो कि हमने बल्ब होल्डर में कनेक्ट किए हैं, इन दोनों वायरों को हमारे जो सेंटर वाले पॉइंट है दोनों स्विच के, इसे सेंटर में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, जो हमारा बल्ब होल्डर का दूसरा वाला वायर है उसे ले जाके इस स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। चलिए हमारे क्या है, बल्ब होल्डर का कनेक्शन हो गया है और स्विच के दोनों का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब किस तरह इसमें सप्लाई देना होगी, किस तरह हमारा बल्ब ग्लो होगा, चलिए हम समझ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बल्ब को ग्लो होने के लिए फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, लाइव और न्यूट्रल, एक लाइव को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। आप इस स्विच में भी कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम ये लाइव को इस स्विच में भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बट हम लाइव को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं और न्यूट्रल को यहाँ पर। तो चलिए इसे हम ओपन करके यहाँ पे इस लाइव वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। आप कनेक्शन को अच्छे से टाइट कीजिए, बाद में चेक भी कीजिए अच्छे से टाइट हुआ है नहीं, बाद में नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए यहाँ पे हमने इसे अच्छे से टाइट कर दिया है और अब हमें क्या करना है, न्यूट्रल को नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है। तो चलिए न्यूट्रल को हम नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। किस तरह इसकी वर्किंग होने वाली ये भी हम समझने वाले है। तो चलिए जो न्यूट्रल वायर आ रहा है हमारी एमसीबी से, उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते है। चलिए इसे कनेक्ट करने के बाद हम चेक भी करेंगे अच्छे से टाइट हुआ है या नहीं, आप भी इसे डबल चेक जरूर कर लें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फेज न्यूट्रल हो सकते हैं, इसलिए आप कनेक्शन अच्छे से टाइट कीजिए। चलिए अब हम इसमें सप्लाई देके चेक कर लेते हैं किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क कर रहा है। चलिए अब हम इसमें चेक कर लेते हैं। अभी आप पोजीशन देख सकते हैं, एक ऑन है और एक ऑफ है। इस कंडीशन में क्या है, हमारा बल्ब ऑफ है। अब जो कोई पर्सन आया हो यहाँ से इसे ऑन किया तो हमारा बल्ब यहाँ से ऑन हो गया है, और यहाँ से कोई पर्सन आके इसे ऑफ कर सकता है। यहाँ से भी इसे ऑन कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन यहाँ से ऑफ, दैट मीन्स कहीं से भी ऑन कहीं से भी ऑफ इसे किया जा सकता है। चलिए अब कनेक्शन वर्क किस तरह कर रहा है, इसकी वर्किंग किस तरह है, चलिए हम समझ लेते हैं। चलिए दैट मीन्स हमारा जो स्विच है किस तरह वर्क करेगा। देखिए फेज अभी लाइव हमारा आया, जब यहाँ पे आया तो उसका कनेक्शन यहाँ पे है। जब हमारा स्विच की पोजिशन ये है, दैट मीन्स इस तरफ से है, तो क्या होगा, लाइव जो फेज है हमारा यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होकर यहाँ पे आएगा, और इसकी भी पोजीशन यदि हमारी सेम है तो सेम होने की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रल आएगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ से न्यूट्रल इसे इस पॉइंट से मिलता हुआ न्यूट्रल यहाँ पे मिलेगा, तो हमारा जो बल्ब है वह ग्लो हो जाएगा। कोई पर्सन आके यदि इसे ऑन करता है तो ऑन करने से क्या होगा, यहाँ की पोजिशन यहाँ पे आ जाएगी, इस पॉइंट की पोजिशन यहाँ पे आ जाएगी, तो फेज तो उसे यहीं से लाइव यहाँ से मिलेगा, बट क्या होगा, देखिये यहाँ से फेज यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से भी बल्ब को फेज मिलेगा, तो उस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। अभी तो कोई पर्सन आके से यहाँ से ऑन करता है तो क्या होगा, देखिए यहाँ से इसका पॉइंट यहाँ से कनेक्शन हो गया है तो न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ से न्यूट्रल इसे मिलने वाला है, और इसकी पोजीशन कैसी, यहाँ से यहाँ पे फेज आ रहा है
तो इसका कनेक्शन यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ से फेज मिलेगा और हमारे बल्ब को यहाँ से फेज मिलके हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो इस तरह हमारा कनेक्शन वर्क करने वाला है। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन का पार्ट फोर हमने किया है। इसके अलावा यदि पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री आपने वॉच नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके भी आप सीख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।